हेलो गाइस, एक बार फिर हाजिर है आप सबके सामने नए ब्लॉग के साथ। तो फिर आज के ब्लॉग का चैप्टर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा इतना खास नहीं है। घर में बोर हो रहे थे दो तीन दिन से, तो फिर सोचा थोड़ा घूम के आ जाते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो गाइस ऐसा है, मैं अपनी मासी के पास आया हुआ था, तो फिर तो इस करके तो थोड़ा घर में बोर हो गया था काफ़ी, तो इस करके थोड़ा घूम लेते हैं। आपको पता मौसम भी थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है, इतनी बारिश हो रही है हिमाचल में, तो काफ़ी लैंडस्लाइड वगैरह हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर से घूमाते हैं। तो फिर ये ट्रिप है सोलो, कल ही हूँ मतलब, कोई भी नहीं गाड़ी में, तो ये सोलो ट्रिप है। बाकी चलते हैं, बने रहिए और देखिए जो भी हो। तो गाइस अभी मैं इस रोड पे आया था, इस रोड पे इतना बुरा हाल हो रखा है ना, सड़क ही नीचे गई हुई है, आधी लैंडस्लाइड हो रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाइस रोड की हालत क्या हो रही है, ये देखो ये सारा ये लैंडस्लाइड करके नीचे गिरा है, पानी ही पानी। बाकी एक बार मौसम देख लो, मौसम तो कैंट हो गया, ये वाला भी देख लो गाइस, ये वाला देखो, ये तो रोड ही पूरा नीचे खिसका है, ये सारा पहाड़ी, ये पहाड़ तो कभी भी नीचे आ सकता है। बाकी चलते हैं यहाँ से, रिवर क्रॉसिंग कर लिया हमने, देख लो स्कूटर फंस चुका है, निकलवा देते हैं भाई का, फंस गया पानी, खड्डा है ना यहाँ पे, पता नहीं चला यहाँ पे, एक सेकंड मैं निकलवा देता हूँ, आप स्टार्ट करो मैं धक्का मरवा देता हूँ, निकल जाएगा ऐसे। इस खड्डे का तो मेरे को भी नहीं पता चला था, चलो निकल गया, हाँ खड्डे का पता नहीं चल रहा पानी में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी लेना पड़ेगा, हाँ ये वैसे दिख रहा है ना रोड, इससे सीधा खड्डा यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये ज़्यादा ही गलत कर रखा है, भरना पड़ता है इसको। तो गाइस हमने भाई की मदद कर दिया, उन बेचारे का स्कूटर फंस गया था, तो हमने निकाल दिया, खड्डा हो रखा है ना वहाँ बीच में पानी, जहाँ मैंने अभी रखा वहाँ पे बीच में खड्डा है, तो वो पानी में खड्डा पता नहीं चल रहा, तो इन्होंने सोचा कुछ होगा नहीं, तो इन्होंने सीधा निकाल दिया, फंस गया, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो बाकी चलते हैं आगे देखते हैं क्या। गाइस यहाँ से भी देख लो रास्ता सारा गिरा हुआ है, देखो मिनी वाटरफॉल, मिनी जरा बच्चा, यहाँ से भी रोड, वो वाला देखो, वो तो सारा ही रोड पे आ चुका है। तो गाइस मेरे सामने हिमाचल में दोस्तों नाला ही बोलते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ पानी कितनी स्पीड स्पीड आ रहा है, पानी चेक करो आप एक बार, गाइस पानी चेक करो आप एक बार, देखना कितनी रफ्तार से आ रहा है, अरे उधर जा रहा है, उधर रोड सारा टूटा हुआ है, वहाँ से ये लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, बाकी पानी एकदम आ रहा है। मौसम तो मस्त हो रहा है, पर जो ये ज़्यादा बारिश हो रही है ना, इसने सारा माहौल बिगाड़ दिया, इतना माहौल बिगाड़ दिया ना, बस सब कुछ अनबैलेंस हो गया, हिमाचल वालों को तो काफ़ी लॉस भी हो गया, तो अब हो गया, आज वैसे किसी की हेल्प करके अच्छा लग रहा है, सारे का स्कूटर फंस गया था, हमने निकलवा दिया। बाकी अब चलते हैं आगे, अब और देखते हैं आगे क्या मिलेगा। थोड़ा सा रुके हैं, पानी पुनी लिया, चिप्स वगैरह लिए खाने के लिए ना, तो मैं सोच रहा हूँ आगे जाके क्या ही फ़ायदा, क्योंकि यहाँ तो माहौल थोड़ा ज़्यादा ही बिगड़ा है, तो हम वापस चलते हैं है ना, थोड़ा बहुत आगे तक, बस थोड़ा सा आगे तक जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा घूम के फिर वापस चलते हैं। तो बने रही देख लिए, थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग है, उसको ही अपलोड कर देंगे, तो चलते हैं लेट्स गो। मौसम देख लो कितना मस्त हो रहा है ना, एंड कैट सा मौसम, कैट सा ऊपर तो ऐसे होता है पहाड़ों के, अरे छोटा सा ये देख, दिक्कत ये है ये देखना, सड़क देख लो लैंडस्लाइड की वजह से कितनी छोटी कर दी इन्होंने, सारा पहाड़ नीचे आ गया, ये साइड ही कर दिया, तो दिक्कत ये है यहाँ लैंडस्लाइड हो रखी है ज़्यादा, अब तो फिर हमको यहाँ घूमने का क्या फ़ायदा, देखना यहाँ पे कैसे
कैसे मिट्टी, गिल्ली मिट्टी, अब गड्डियाँ फिसल जाती है, ये सारा पहाड़ नीचे है, गड्डी फिसल जाती है ऐसे ऐसे जगहों पे, अनकंट्रोल हो जाती है, तो फिर पूरी घूम जाती है गाड़ी, इस करके यहाँ ध्यान से चलना पड़ता है। तो गाइस नेचुरल सी बात है, सबको अपनी जान प्यारी होती है, तो बाकी घूमने का तो चौक मुझे है ही है, ये तो आपको पता ही है, बाकी पर इतना भी क्या घूमना कि जहाँ सारे पहाड़ नीचे लैंडस्लाइड के कारण आ गया, तो फिर तो इतना क्या रिस्क लेके घूमना, थोड़ा बहुत बोर हो रहे थे, थोड़ा बहुत घूम लिए, आपको भी दिखा दिया जो घूमे, बंदे की हेल्प भी कर दी है उसके बंदे के साथ में मैं लिखा था कि हाँ आधी आएगा हेल्प करने, तो बाकी अब तो क्या ही है, थोड़ा बहुत जो घूमना था घूम लिया, अब चलते हैं वापस घर को, बाकी थोड़ा बहुत और होगा वो मैं दिखा दूंगा। सारा रोड ही नीचे चला गया है, बाकी वहाँ जाने रिस्की है, मैं गाड़ी पीछे खड़ा देता हूँ और गाड़ी को मोड़ लेता हूँ, आपको रोड दिखाता हूँ फिर चलते हैं जल्दी जल्दी। कैसे पूरा रोड नीचे चला गया, लैंडस्लाइड देख रहे हो गाइस, वो सड़क है वहाँ से पूरी सड़क नीचे टूट के गिर गई है, ऐसे कनेक्शन था इन सड़कों का, टूट गई तो अब टूट गई, अब क्या खरी जा सकते हैं चलो। तो देखा आपने कैसे सड़क टूटी हुई बीच में, मैं तो आगे गए नहीं, मैंने तो गाड़ी मोड़ के पीछे खड़ा ली, बस इन काफ़ी है आज के लिए, काफ़ी सारा देख लिया हमने, अब हम घर को चलते हैं, तो बाकी आपको घर जाते थे मिलते हैं, तो बाय। वैसे अब मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, बाय, मैंने गाड़ी भी इतनी दूर खड़ी कर रखी है वहाँ से। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी घर, ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।